हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। ठीक है, तो पुरानी क्लासेस में देखो, जो लोग नए आए हैं उन्हें हम बता दें, जो हमारा चैनल है, ठीक है, जा चैनल के द्वारा ये जो थी वेब डेवलपमेंट फुल कोर्सेज, ठीक है, जा पूरी वेब सीरीज में हमने पूरा बताओ तो कि हम एक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर कोई ऐसो है जो बनाना चाहता है अपनी खुद की वेबसाइट, तो भाई हम भाई बताएं कि एक तरह लेके देखे, पूरा स्टार्टिंग से शुरुआत से देखे और पूरा लास्ट तक जाए। ठीक है, अब देखो इसमें हमने क्या क्या बताया है। इसमें हमने बताया सबसे पहले HTML, नाम खूब सबने सुनो हुए, ठीक है। HTML जो है सबसे मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। CSS, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है ना जी। इसके बाद ये जो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, इन दोनों के बाद जब बात आती थी बूटस्ट्रैप की, यानी कि जब हमारी जो वेबसाइट बने वह सबन में जितने भी डिवाइसेस हैं वह सबन में बिल्कुल बढ़िया सी दिखे, खराब ना दिखे। अगर बढ़िया सी दिखे तवाई वह आपकी जो वेबसाइट है वह लोग पसंद करें। जी हाँ, इसी ले हमने पढ़ाई थी बूटस्ट्रैप। अब उसी के आगे हम बताएं जावास्क्रिप्ट और PHP, ये जो हैं मेन चार लैंग्वेज हैं। देखो हम बताएं, इन्हीं के द्वारा आप एक वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। अब देखो हम बताएं, हमने सबसे पहले बताई थी HTML, CSS, थोड़ा जाए नज़दीक से तुम लोगों ने दिखाएं भैया। अरे अरे, बस 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 इतना ही है, चलो इसको अलग कर लो। जा पेज को डोंट सेव लिखो इसको, और इतना इतना कर लो इधर। अब आवत है बूट स्ट्रैप, और बूट स्ट्रैप में कौन सी थी, पांचवी वाली, ठीक है। अब जाए के आगे हम बता रहे हैं जावा स्क्रिप्ट, SCRIPT, जब बहुत ही जरूरी है आगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, IMP लिख दे, बस काम बन गया, ठीक है। अब जाके बाद आइए PHP। जी हाँ, तो सोचो फ्री में आप लोगों ने इतनी लैंग्वेज पढ़ रही हैं, टाइम दो। और अब देखो चार और पांचवी, ठीक है, इतनी है मैन मैन। अब देखो जो लोग नए आए हैं उन्हें हम देखो बता दें, हमारे चैनल पर जाइयो। कैसे जाइयो, यूट्यूब पर जाइयो सबसे पहले, ठीक है। अब यूट्यूब पर जाने के बाद में इंजीनियर मलेशिया वाला डर जाओ, ENGIN इंजीनियर मलेशिया वाला डर जाओ। तो अब देखो बताएं, जो पुरानी क्लास को कोड कैसे मिले, सपोज करो कोई नया आए वो है बा नहीं पता है, ठीक है। अब चैनल पर गए अपने, ठीक है। अब हमारे प्ले लिस्ट पर जाएँ, प्ले लिस्ट पर जाएँ तो हमारे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वेब डेवलपमेंट फुल कोर्सेस, तो हम जहाँ पे लिखें व्यू प्ले लिस्ट, तो हम सबसे लास्ट वाली जो क्लास है, क्योंकि इसी क्लास जाई क्लास के आगे हम आगे वाली क्लास करेंगे, तो ताई चक्कर में हमें लास्ट वाली क्लास को जो कोड है, यानी कि जो बाकी और सबन को क्लास को कोड है, वो हम सबरों को सबरों कोड हमने जा गिटहब पे डाल दो है, ताकि क्या होए अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होए, कोड डाउनलोड करो, कोई दिक्कत हो रही है, हमारे यहाँ से डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में और खुद से चला सको, आप लोगों को काम जो है ना वो बचिए, यानी कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो जाओगे आप इन सब चीज़ों में, चक्कर में नहीं पड़ोगे, कहाँ क्या है, कहीं दिक्कत आ रही है तो आप हिंट ले लो इससे। हिंट का मतलब है थोड़ी थोड़ी नकल कर लो, देख लो कहाँ फंसीए, क्यों फंसीए ता चक्कर में, ठीक है। तो उसी क्लास के हम आगे देखो आज बता रहे हैं इसमें जितनी क्लासेस, ठीक है। अब जब लास्ट क्लास थी वो ये वाली क्लास है, जा वाली बूटस्ट्रैप वाली, जा वाली क्लास हमने लास्ट क्लास करी थी, जो जा में हमने लिखी है क्लास नंबर 11, 11, 11वीं क्लास जो है जे लास्ट क्लास, ठीक है। अब जा क्लास के अगर
अब सपोज करो आप लोग जा लास्ट क्लास के अंदर लास्ट में गए, ठीक है। अब इसमें नीचे जब इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो देखो यहाँ पे लिखा है फुल सोर्स कोड गिट हब, आप इस पर क्लिक करियो और खट से पहुँचियो हमारे वाले पे, ठीक है। गिट हब पे ये है हमारा URL, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ से आप कोड डाउनलोड कर लो, कोड डाउनलोड कैसे करोगे वो भी देखो हम बता रहे हैं। यहाँ से क्लिक करिए वैसे करके, ठीक है, ऐसे क्लिक करी और डाउनलोड जिप पे हमने क्लिक करी, देखो हमारी फाइल डाउनलोड होने लगी। हम डाउनलोड वाले फोल्डर में करिए तो सेव कर दई यूट्यूब, इसमें इसका नाम थोड़ो बदल दें, पहले से और है जाम है, ठीक है। हमने डाउनलोड कर ली, जैसे ही डाउनलोड हो जाइए अब क्लिक करिए डाउनलोड वाले पे, तो देखो डाउनलोड और हमारी या खुली फोल्डर, ठीक है। अब जा पे अंदर जाइए, जो हमारा देखो सबसे लास्ट वाली क्लास, चाहे हम यहाँ से कॉपी कर लो और पीछे आ जाओ डेस्कटॉप पर आ जाओ, यहाँ पर एक फोल्डर बनाओ वेब क्लासेस नाम से या कशु बनाओ वेब CLASSES, ठीक है। अब जाके अंदर जाए, हम कॉपी करी थी याद है ना, अब उसको हम यहाँ पे या राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दो या फिर कंट्रोल वी जो पेस्ट करने वाली है होते ना की बासे, हमने कॉपी कर दी सारों को, सारों कोड हमारो जो आई हो, ठीक है ना। अब देखो डेस्कटॉप पर पड़ी है, ठीक है, डेस्कटॉप वेब क्लासेस और ये हमारा फोल्डर है, बट ये हमने बस टेस्टिंग के लिए दिखाया है। आगे हम जो क्लासेस करेंगे वो हमारा है डॉक्यूमेंट में, हमने बनाया है डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में, हमने क्लासेस को एक फोल्डर को नाम दो है, जा क्लास जा फोल्डर के नाम के अंदर हमारी जो क्लासेस हैं वह वेब क्लासेस के अंदर हमारा जो है कोड पूरा, ठीक है। फोल्डर्स जो है ना, फोल्डर में भैया कन्फ्यूज ना हुई हम बताएं सही बात, अगर फोल्डर में कन्फ्यूज हुई है तो क्या हुए आप काम नहीं करिए। URL फ़ोटो वगैरह जो लगाए हो ना वह फ़ोटो वगैरह URL को काम नहीं करिए, काय के मारे काम नहीं करिए, काय के मारे जो URL चेंज हुई है फ़ोटो कहाँ पड़ी है पता नहीं लग पाई है, हम बता रहे हैं देखो फ़ोटो हमारी कहाँ पड़ी है पता नहीं लग पाई है, तो वो आपकी काम नहीं करिए सही से। ताचक्कर हम बता रहे हैं कि जो URL है वो बिल्कुल सही हो चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं देखो आगे हम क्लास में जो हम बताएंगे, अब आज की हम जावा स्क्रिप्ट की आशा करते हैं इतना समझ में। अब देखो ये जो हमारा यहाँ पे हमारा कोड आ गया, ठीक है, अभी हम यहाँ से, ठीक है, अब देखो हम अगर आप डेस्कटॉप वाले पे जाएंगे तो देखो हम चलो डेस्कटॉप वाले से आज पढ़ाते हैं, आप लोगों के हिसाब से मैंने बना दिया यहाँ पे फोल्डर। अब हमारी क्योंकि जावाली क्लास है तो जावाली क्लास हम अगली क्लास करें, तो हम जा क्लास को हम बदल दे रहे हैं, यहाँ पे नाम बदल दे रहे हैं, या क्लास को कर दे रहे हैं क्लास नंबर 12 वेब डेव लाइव क्लास नंबर 12, और जा क्लास फोल्डर को नाम दे दे रहे हैं जावा स्क्रिप्ट CRIPT, ठीक है ना, क्योंकि अगली क्लास तो हम भाई के हिसाब से फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। हमने फोल्डर को नाम बदलो, अब हम आगे बताएं, देखो सीधी सी बात है, अब जा फोल्डर को हम क्या करें, जा फोल्डर को अब हम कोड एडिटर में ओपन करेंगे, जिससे क्या हुई है कि हम सही से कोड कर पाए आगे, ठीक है। अब हम इस पर ऊपर क्लिक किया, ऐसे करके हल्का से एक बार क्लिक किया, यहाँ पे टाइप करा CMD टाइप करा, अभी कुछ ना करा और एंटर की को प्रेस करा और हमारा CMD खुल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे code.code.space. और हमारा जो कोड एडिटर होगा जो है कोड एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड है ना, जा में जा तरह से ओपन हो जाइए, हाँ बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो बिल्कुल भूलियो ना, देखो हम बता रहे हैं जा तरह से, इसलिए हमने इतने टाइम में हमने फिर से रिपीट करी चीज़ ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो पाए, ठीक है। अब हम अगर हम जा की बात करें, देखो जाए हम कैसे रन करेंगे, चलो हम हो डेस्कटॉप पे गए, हमारा ये वेब क्लास का फोल्डर बना, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो होम पेज है जहाँ पे अगर हमने क्लिक करी क्रोम पे, यहाँ पे लिखी है, ठीक है, अगर आप लोगों की क्रोम पे नहीं हो रही है तो यहाँ से राइट क्लिक करियो, ओपन विद पे आइयो, यहाँ पे गूगल क्रोम बन के आइए, ऐसे क्लिक कर दियो तो आपकी जो फाइल है वो गूगल क्रोम पर
वेबसाइट का जो पेज आपने बनाया है वो गूगल क्रोम पे ओपन हो जाइए 100% अगर सब कुछ सही करा है आपने। अब देखो आगे आगे चलते हैं। अब देखो जहाँ हमारी क्या कमी है, जहाँ हमारी फ़ोटो नहीं दिखाई दे रही है, राइट, नहीं दिखाई दे रही ना। हाँ, अब जाके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है बिल्कुल। देखो होम पेज पे सबसे पहले हम जाइए कोड एडिटर में, एक जो का खुल हुआ है हट जाओ। कोड एडिटर में जाइए, हम सबसे पहले होम पेज ओपन करिए, इसे क्लिक करी, ठीक है, होम पेज पर क्लिक करी। बिल्कुल होम पेज का कि जो फाइल जो है, या फाइल को नाम है होम पेज डॉट html, ठीक है, होम पेज पर क्लिक करी। अब देखो यहाँ का लिखो हुआ है, यहाँ लिखो हुआ है जाओ। अब देखो जब फाइल जो है हमारी, जब फाइल कौन सी है, banner2.jpg, ये है देखो banner2। अब ये वाली फाइल जो है, जब फाइल कहाँ पर ये जहाँ में लिखी है देखो है या बट। अब जो नया URL होगा, ये पहले हमारे दूसरे लैपटॉप, हमारा लैपटॉप चेंज हुआ है, किसी का भी कोई लैपटॉप चेंज हो, फोल्डर चेंज हो, कोई कोड डाउनलोड करे, तो URL उसका ना जो ये लिंक होता है वो दूसरा होता है, इसीलिए इस चीज़ को खूब ध्यान से समझना। अब देखो जो URL है जो पुराने उसका है स्टोरेज का, आप क्या करेंगे नए वाले का हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये वाली फाइल जब फाइल जो ओपन कर रखी है, जब फाइल जौन जो फाइल अभी ओपन करी थी, याद है ना, जहाँ पे क्लिक करके जब फाइल को देखो ऊपर हमारो दिखाई दे रहे हुए देखो साफ साफ जो है URL। तो हम सबसे पहले जाए को पूरा सिलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे करके कंट्रोल सी से हमने कॉपी करी और हम यहाँ पे आए के सॉरी इसको हटा दो, इमेजेस को यहाँ से ऐसे करके पेस्ट करो, ठीक है। अब देखो हमारी अभी हमने कुछ ना करो, देखो इमेजेस के बाद हमने पेस्ट करा था और सबसे लास्ट तक, ठीक है, इतना हमने पेस्ट करो। तो अब चलिए थोड़ा हम जाके कटिए कहाँ पर पड़ी हुई है, देखो जावास्क्रिप्ट नाम से फोल्डर पर वो है, जाके अंदर इमेजेज है और फिर बैनर डॉट टू जो फोटो को नाम तो वो बस हो जाएगी है, ठीक है। जैसे ही जाए सेव करिए, अब हम यहाँ से जाए रिलोड करिए, देखो यस ऐसे फोटो देखो सामने दिख गई, ये है जादू। तो बिल्कुल जा चीज़ को भैया कंफ्यूज ना हुई हो, अगर ना समझ में आई तो वीडियो रिवाइज पीछे करो फिर देखो, जी हाँ तब ही है ये समझ में जा चीज बहुत। अब हम सेम करिए जाके ले, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे करके जो पुराना पूरा तो वो हम फाइल को नाम हटाएंगे जो होम पेज थी और जावास्क्रिप्ट स्लैश जो फोटो वालों फोल्डर है और ये अब इसको सेव कर दिया हमने, ठीक है। अब हम सेम करिए जाके ले, यहाँ से इतना इतना सिलेक्ट कर दो। अब हम यहाँ पे जब फाइल का नाम हटाए दो क्योंकि वह एस्टिमेट की फाइल है। अब हम हमारी आ जाइए, तीन ही हैं भैया, अब दिखाई दे जाना चाहिए, रिफ्रेश करिए, वाओ 2-3 यस नाउ। अब देखो हमारी वेबसाइट सही से चलने लगी। अब आगे बताइए, देखो जावास्क्रिप्ट यहाँ तक इम्पोर्टेंट था क्योंकि जितने सारे लोग हमने देखे हैं जो नॉन टेक से आ रहे हैं, यानी कि जो कभी भी आईटी सीएस का कोर्स नहीं करे हैं, वो इन सब चीज़ों में बहुत परेशान होते हैं। ता चक्कर में जा चीज़ हमने फिर से रिवाइज करी, स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल शुरुआत से लेके एकदम धीरे धीरे आसान भाषण में। चलो अब देखो जावास्क्रिप्ट क्या है, सबसे पहले देखो जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे हम, जावास्क्रिप्ट क्या है, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट अब जो लोगों ने कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ो आप लोग तो बातचीत को पहली इतिहास पहले देख लो, जावास्क्रिप्ट विकिपीडिया, ठीक है। तो हम जावास्क्रिप्ट जा लोगों को जिन दिन को ना पता है कहा है, तो भाई सबसे पहले बात चीज़ को विकिपीडिया पेज देखो, तो हेंस जाके पूरी जन्म कुंडली खुल के आई है। अब जब विकिपीडिया पेज हम जाओ कैसे पता लगे कि जब ओरिजिनल है कि लोकल है, मेन चीज़ तो जा है।
तो देखो जातरी का खुल के आए wikipedia.org, ठीक है। ऐसे जहाँ पे क्लिक करियो तो जो ओरिजिन वालों हुई है बाको यहाँ पे वेबसाइट को लिंक दो है, जो वालों वेबसाइट को लिंक नहीं जाना नहीं है, जाके कोई अपनी वेबसाइट नहीं है या हाँ ठीक है, तो जो वालों है ठीक है, मेन पेज। अब जा पेज में पूरा दोगे देखो कवायद सबसे पहली दाएं यह देखो लिखो हुआ है फर्स्ट अपेयर्ड 28 साल पहले, ठीक है ना। ये पूरी इसकी जन्म कुंडली है, ज़्यादा नहीं बताएंगे क्लास लंबी हो जाएगी, इसको पढ़ लेना समझ में आ जाएगा। देखो अलॉन्ग साइड HTML एंड CSS ऑफ वेबसाइट्स यूज JavaScript ऑन द क्लाइंट साइड फॉर वेब बिहेवियर। ये देखो इन सब के साथ में चलती है HTML CSS के। अब HTML और CSS के इन दोनों के भैया आप लोग हुई है मास्टर। अब जाए कि आगे हम JavaScript बताइए। अब देखो इतना होगा, हिस्ट्री देख ली, पूरा पढ़ लेना इसको सही से, कब आई, कब चली, कौन सा करंट वर्जन चल रहा, क्या है। अब चलिए जाके आगे, JavaScript W3 Schools जा देखो भैया, दूसरी बढ़िया वेबसाइट है जहाँ से हमने पढ़ी भाई। हम तुम्हें बता रहे इतनी अच्छी तरीका से जहाँ बताई जाता है जिससे आप लोग आराम से समझ में आ जाएगी बिल्कुल। अब देखो JavaScript क्या करता है, JavaScript सिंपल सी चीज़ है। आजकल JavaScript का बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका IT लाइन में अगर देखा जाए तो। अगर आप JavaScript के अच्छे खासे डेवलपर हो, आपको अगर JavaScript अच्छे से आ जाए तो आप भैया बहुत पैसा अरो रहे हो, बहुत पैसा आए जाए। बट अच्छे से पढ़ने पर ये जाना है, बस खाली JavaScript सीख ली, स्पेलिंग आई और आपकी हमें JavaScript आई, बाकी परिभाषा जान ली है बस, अब हम बनिए मास्टर सोना। इतने में ना मिलिए भैया कछु, ठीक है। अब देखो आगे चल रही है, JavaScript इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। ये सब पढ़ लो कि देखो, और जा बिल्कुल सही बात है, वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, अब जा सही बात है बिल्कुल। JavaScript इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर वेब, यानी कि जो हम वेब पोर्टल्स बनाते हैं, जो भी वेबसाइट पे पोर्टल्स बनते हैं वो सारे सारे JavaScript से, सारे मतलब JavaScript से भी बनाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ JavaScript के बिना कुछ होगा नहीं या JavaScript, ऐसा कुछ नहीं है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं। JavaScript इजी टू लर्न, ठीक है। दिस ट्यूटोरियल विल टीच यू JavaScript फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ठीक है ना। अब देखो JavaScript क्या है, एक देखो सीधी सीधी देसी भाषा में बताएं, हमारी कोई वेबसाइट है ठीक है, बा वेबसाइट में हम गए, अब आपने किसी बटन पर क्लिक करी, जैसे यहाँ पे लिखा है क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम, ठीक है। PHP में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो PHP जो है वो PHP, देखो PHP भी सर्वर साइड लैंग्वेज है और JavaScript भी सर्वर साइड लैंग्वेज है, ठीक है ना। नहीं सॉरी JavaScript PHP सर्वर साइड है, बट ये है कि JavaScript फेमस क्यों है वो हम उसका कारण बता रहे हैं, ठीक है। JavaScript इसलिए फेमस है क्योंकि JavaScript जो है उसका जो बिहेवियर, यानी कि जो भी हम चाहते हैं करना, वो हमको पेज बिना रिफ्रेश करे हमका उसका रिजल्ट दिख जाता है। समझ भाई, नहीं फिर से बता रहे, यानी कि जैसे ही हमने सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम, जैसे ही हमने जहाँ पे क्लिक करी हमको सीधा मिल जाए यहीं पर, ठीक है ना। संडे 21 जुलाई ये डेट एंड टाइम बता दिया, या ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा ट्राई इट सेफ, हमने फिर से क्लिक करा, देखो इतना सा कोड है, बस इतना सा कोड है बस, और हमने यहाँ पे जा पर क्लिक करी तो वहाँ ने पूरा बता दो, ठीक है। अब चलो अच्छा एक फाइल बनाते हैं, जाई बात है अपने यहाँ पर, ठीक है। हमने क्या किया, कंट्रोल इनको क्लिक किया, हमारी नई फाइल बन जाएगी, ठीक है। अब फाइल को हम सेव कर लें तो सेम फोल्डर में जहाँ पे हमारी जो पुरानो है
तो यहाँ पे कर देते हैं जावा SCRIPT जावा स्क्रिप्ट टेस्ट कर दें। जावास्क्रिप्ट क्लासेस कर दें, जावास्क्रिप्ट ही कर दें बस, javascript.html ही लिखो तो ज़्यादा सही रहिए, ठीक है। इसका एक्सटेंशन सेव कर दी हमने, html में हमने सेव कर दी। अब देखो जो हमने बताया, सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर लिखो html। देखो शुरुआत से बता रहे हैं, बिल्कुल साइज पड़ी हो। हमने फोल्डर बनाई सेम वाली फोल्डर के अंदर, ठीक है। हमारी देखो जाई फाइल, फाइल आई। अब हम जाइम बनाएंगे html, ठीक है। और थोड़ा जूम कर दें, अब हम इसको हाइड कर दें तब सही दिखाई है, ठीक है। चलो अच्छा अच्छे रहता है, इतना आ गया। चाहो तो अगर आप टाइम बचाओ तो ऐसे करके कॉपी पेस्ट कर लो, इतनी चीज़ यहाँ से सेलेक्ट करी, यहाँ से कॉपी कर दी, html भी हटाई दो जो हमने लिखो हुआ है, ठीक है ना। इससे हमारा टाइम बच जाइए, ठीक है ना। अब हम चला के देखें भैया जाए, जो हमारी पेज आई हमने सेव कर दी। कंट्रोल या सेव करना ज़रूरी है, अगर हम सेव नहीं करते हैं कोई चीज़ तो यहाँ पे देखो वाइट वाइट सा बन के आता है, ऐसे डॉट सा बन के आता है, ये देखो आसपास। जैसे इसको सेव कर देते हैं, यानी कि ये पहचान है, जैसे हमने अपनी जो फाइल है हमने जो बनाई है कशु, हमने जहाँ करो जाके अंदर, तो कंट्रोल एस हमने कर दी अगर, तो हमारी फाइल जो है वो सेव हो जाती है जहाँ पे हमने सेव करी थी। अगर सेव नहीं करी तो पहले बार सेव एज करियो, सेव एज पर जाइयो और फाइल को नाम दियो जावास्क्रिप्ट और डॉट html लिखियो, और ऑलरेडी आपकी यहाँ पे फोल्डर के अंदर है जो सिलेक्ट, तो वहीं पर जाके सेव हो जाइए, ठीक है। अब चलिए आगे, जावास्क्रिप्ट आई, हम जाए ओपन करिए, यहाँ पर क्लिक करी, देखो ओपन हुई। यहाँ पे लिखो माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, अब हम जाए जूम करेंगे ढंग से, ठीक है। यहाँ पे लिखो क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम, चलो वो डेट एंड टाइम तो जाने दो। अब सपोज करो, चलो अच्छा चलो उसको दिखाई देते हैं, जब किया तो ऐसे क्लिक करा तो हमारा देखो डेट एंड टाइम आ गया, ठीक है ना। किससे आया, इसमें देखो एक फंक्शन सब, ये सिर्फ इतना लिखा हुआ है यहाँ पे डेट, इतने से बस आया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इसका एक फंक्शन होता है, देखो ये कैसे काम करता है हम बताएं, इसको थोड़ा हाइड कर दें। देखो ये तो हो गया फंक्शन, चलो एक दूसरा बटन बना के दिखाएं तब समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले हमने बनाई बटन BU, देखो जो जो HTML में पीछे आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हो, ठीक है। ये हमने बटन बनाई TFTY, सबसे पहले अगर खाली बटन लिखियो तो ऐसे करके आइए, देखो जाइन भी लिख दो CLI क्लिक हेयर, और यहाँ पर एक लाइन तोड़ दो जाए बोलते हैं ब्रेक। अब जब लाइन टूटी है ठीक है, देखो ठीक है क्लिक हेयर आई। अब एक दें और ब्रेक लगा दो और नीचे आई जाइए एक स्पेस के संग गई, हाँ जा ऐसे कर दो, ओ सेव हो गई। अब ठीक है ये आ गई, अब ये हमारी देखो बटन बनी खाली, ठीक है बटन बनी। अब जा बटन में लिखी है एक फंक्शन होता है ऑन क्लिक, ठीक है जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑन क्लिक फंक्शन होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑन क्लिक मतलब क्या है कि ऑन क्लिक जो जिस तरह से देखो जहाँ मैंने लिखी है ऐसे ही हमको लिखना पड़ी है। वो कहाँ पर लिखी, जो HTML है वो देखो कहाँ पर लिखी जाता है, देखो अब देखो हम थोड़ा सही से दिखाएं, ये बहुत ही ज़्यादा भैया गौर से दिखी हो, हम बताएं जा चीज़ अगर मिस कर दई तब ना ही मज़ा आई, जावास्क्रिप्ट तब ना आएगी। देखो ये देखो हमारा बटन बटन लिखा हुआ है बटन, अब ये देखो जो ये लिखा हुआ ना इसी के अंदर, इसके अंदर हमको लिखना है, ठीक है। एक स्पेस दो सबसे पहले बटन के बाद, अब इसके बाद स्पेस, अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन क्लिक,
ठीक है। अगर जैसे लिखो है ऐसो ही लिखना पड़े। अगर आपने कर दो यहाँ पे सी बड़ी कर दी या ओन की ओ बड़ी कर दी तो काम नहीं करिए। देखो हम बहुत हिसाब से बता रहे हैं, समझ लियो। अगर गड़बड़ कर दी तो भैया ना आइए जावा स्क्रिप्ट। ऐसी भी है क्लिक ऑन क्लिक जैसे करी जय जा को सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स का होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक फॉर्मेट होता है, जैसे लिखो तो वैसे ही लिखन पड़िए, वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेट होता है। ठीक है ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक के अंदर लिख दो हमने। अब ऑन क्लिक में देखो अब हम एक देखो और अच्छी चीज़ था ऑन क्लिक कर दी यहाँ पर लिख दें ALERT अलर्ट दे दी। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिखा मैं, देखो अलर्ट वाओ वाओ दिस वर्क्स वेल। ओके हमने लिख दिया ऑन क्लिक अलर्ट वाओ दिस वर्क्स वेल। ओके सेव कर दिया, सेव कर दो। अब हम चेक करेंगे अलर्ट की ए बढ़ गई बड़ी। हाँ यह होता है अलर्ट। ठीक है आया। ऐसे करके अलर्ट देखे होंगे कितनी छोटे कोड में कितना बड़ा काम हुआ। पेज को जो कोड है वो हिलो नहीं, यानी कि पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं हुआ भाव है। रिफ्रेश तो समझते हो, रिफ्रेश होता है रिफ्रेश और रिलोड। ठीक है ये यहाँ पे देखो रिलोड है। जब भी और दूसरी लैंग्वेज होते हैं जावास्क्रिप्ट तो वहाँ क्या होता है जावास्क्रिप्ट सबसे अच्छी जो चीज़ है, जैसे ही आप क्लिक करते हो और आपको जो रिजल्ट है आपको जो परिणाम है वो तुरंत मिलता है। जा सबसे बड़ी जाके खास बात है ताई चक्कर में लोग जावास्क्रिप्ट और बहुत तेज मिलता है, जाने कि तुम रुके रहो वेट करे रहो लोड, मतलब कोई लोडर लगो है वो लोड हो रहो जा चीज नहीं है। जावास्क्रिप्ट काम जो है ना रिस्पॉन्स यानी कि बहुत फास्ट चलता है, जा फास्ट रिस्पॉन्स है इसको ताई चक्कर में जा पसंद कर जाते वर्ल्ड वाइड। ठीक है ना। अब इतना समझ में आओ, स्पेलिंग मिस्टेक करिए अलर्ट देखो छोटे कैपिटल में बड़ो है तो ऐसे करके। अब देखो अलर्ट एक फंक्शन होता है इस तरह से, ठीक है जावास्क्रिप्ट का, इसी तरह से ऑन क्लिक भी फंक्शन होता है और ये भी फंक्शन है। ठीक है अब ये अलर्ट है। अलर्ट के अंदर आप स्ट्रिंग में कोई मैसेज होता है वो स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग क्या करती है मतलब कोई अल्फ़ाबेट, ठीक है ना, जिसमें अल्फ़ाबेट हो तो स्ट्रिंग के अंदर आप इसमें कामा या फिर हाँ सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर आप यहाँ पे मैसेज लिख दो, वो मैसेज वहाँ पे प्रिंट हो जाता है। अगर हमने इसको ब्लैंक लिखा कुछ नहीं लिखा इसके अंदर जाके अंदर हमने कछु ना लिखो, अब क्या करिए जब हम पेज रिफ्रेश करना पड़िए जब हम जैसे सेव करेंगे तब। ठीक है ऊपर से रिफ्रेश कर लो, अब हमारो जाके अंदर कोई मैसेज ना दो हमने तो देखो ऐज करके अलर्ट कर रो है। अब हमने जाके अंदर लिख दो कहाँ गई। अब हमने अगर जाके अंदर लिख दो यस वर्किंग नाउ डिंग 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 डिंग, ठीक है सेव कर दी। अब हम ऊपर से यहाँ से रिलोड करेंगे और हम क्लिक हियर करेंगे यस वर्किंग नाउ आ जाइए। ऐसा देखो कहाँ पे दिखा होगा आपने, हम बता रहे हैं ऐसे जो मैसेज होते हैं ये बहुत ही सिंपल होते हैं। हम क्या करते हैं कोई भी सक्सेस मैसेज या फिर एरर मैसेज कहाँ मिलता है ऐसा सरकारी वेबसाइटों में ज़्यादातर मिलते हैं। ठीक है ना जा बोलते हैं अलर्ट, अलर्ट बोलते हैं अलर्ट बॉक्स अलर्ट मैसेज बॉक्स अलर्ट अलर्ट बॉक्स। ओके तो मजा आई जो सबसे अच्छो और सबसे छोटो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट मज़ेदार अलर्ट। इसमें क्या है क्यों ईजी है कि कुछ छोटे में हम जो भी मैसेज हमें देना है कोई भी मैसेज एरर मैसेज वगैरह देना है ना तो बहुत जल्दी एकदम ईजी है मतलब बहुत सरल। और जो तरीका का मैसेज वगैरह होते हैं मैम थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है, थोड़े लंबे कोड करने पड़ते हैं ताजा क्रम ऐसे वाला जो सरल होता है तो सरकारी वाले क्या करते हैं, सरकारी वाले तो वैसे ही आलसी होते हैं और जल्दी जल्दी ऐसे ही कर देते हैं, उन्हें मतलब नहीं होता भाई वेबसाइट उनकी कैसे चल रही क्या चल रही उन्हें वैसे मतलब नहीं। ठीक है चलो बस छोड़ो हम बता रहे जावास्क्रिप्ट। अब इतनी देखो अलर्ट लिखी अलर्ट आई बढ़िया से। ठीक है जैसे देखो समझ में ना आ रही हो पीछे वीडियो पीछे करो फिर से देखो अपने आप काम करने लगे जिसके हम काम नहीं करी। ठीक है अब देखो इतनी छोटी सी चीज़ है बस है कितना काम कर रहा है, बस खाली हमने इतना सा कोड लिखा है बस। इसको हम देखो एक बार अभी डिलीट कर देना क्योंकि अभी
फालतू चीज़ें अभी काम ना करने क्या चीज़ें, मतलब हम बता देंगे बाद में, फालतू नहीं है, मतलब ज़्यादा कोड लिखा होता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा कोड है, जब कम कोड होता है तो अच्छे से समझ में आता है कि भाई इतने छोटे से कोड में ये हो रहा है, इसलिए हम कोड को ना छोटा करके चलते हैं। यह ठीक है, आशा करते होंगे जब समझ में आओ ये। चलो अब चलते हैं आगे। जो तो यू अलर्ट, ऐसे ही जो एक बहुत छोटा एग्जांपल, जावास्क्रिप्ट जाए तरीके से काम करता है। अब चलते हैं आगे, देखो सबसे पहले चलेंगे, देखो ये सब चीज़ इंट्रोडक्शन थी, लर्निंग स्पीड ये सब चीज़, ये सब पढ़ लेना यहाँ से जाके, जो उसको सही से ध्यान दे के पढ़ाते हैं। तो हम सबसे पहले चलिए इंट्रोडक्शन पर, ठीक है। इंट्रोडक्शन पर कहा है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल कंटेंट, ठीक है ना, जामा जा लिखी है इनने। जावास्क्रिप्ट क्या करिए कि एचटीएमएल को जो कंटेंट हुई है वह बदल सकता है, एचटीएमएल को कंटेंट ना बदल सकता है, जो भी लुको है वह बदल सकता है, मतलब कहाँ को आपको बदलने हैं अभी देखो हम बताएं कैसे बदले है। ठीक है, एक एक करके इसमें जामा देखो, जावास्क्रिप्ट में सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वह क्या है, वन ऑफ मेनी जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल मेथड इज बेस्ड ऑन गेट एचटीएमएल बाई आईडी। ये एक छोटा सा फंक्शन बहुत ही ज़्यादा, यानी कि पूरी जावास्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा बार यूज होता है ये, सबसे ज़्यादा बार। देखो जामा जैसे लिखी है ना, थोड़ा जूम करें, चलो इतना ही सही है। जामा जैसे लिखी है गेट जी देखो छोटी बनी, ई बड़ी बनी, बाई बड़ी है तो बी बड़ी है, आई बड़ी है, बिल्कुल जाए तरीका था लिखना पड़ता है। अगर आपने गड़बड़ करी स्पेलिंग, छोटी बड़ी मिस्टेक कर दी तो काम ना करिए, सीधी सीधी बात है। अब देखो एग्जांपल दिखाएं, देखो ये आईडी है, ठीक है, एग्जांपल जाकर दिखाएं, यहीं से दिखाएं या फिर वहाँ पर लिख के दिखाएं। देखो किधर गया, चलो यहाँ पर दिखाएं तो ज़्यादा बढ़िया रही है। देखो हमने एक ले लिया, यहाँ पर ले लेते हैं H1 ले लेते हैं, H1 के अंदर एक हेडिंग दे दें, मोटी मोटी दिखाया है, ठीक है, H1 के अंदर लिख ली हमने Old MESSAG, Old Message Error, ओके, Old Message Error के अंदर Welcome, Old Message Error लिख दें, राम 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 राम, ठीक है। अब यहाँ पे एक बटन बनाओ, BUTT बटन, और यहाँ में लिखो ऑन, क्लिक पर करिए, ठीक है, गुड 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 गुड, स्ट्रिंग देखो स्टार्टिंग से बताना है, ठीक है। इसमें देखो कैसे होता है, देखो स्टार्टिंग से टाइप करके बताते हैं, डॉक्यूमेंट यानी कि DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ओके, जो था गेट ELEMENT एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है, जात्री का लिखो तो बिल्कुल वैसे ही लिखना पड़िए। अब देखो इतना लिखा आपने, ठीक है, अब इतना जो लिखा, इतने लिखने पे ये क्या है कि अभी अभी बताएंगे। देखो आपको जो करना है काम वो ऑन क्लिक पे करना होगा, आप जैसे यानी कि ये बटन है, बटन पे का फंक्शन चलता है, बटन तो क्लिक ही होता है, प्रेस होता है, क्लिक होता है, तो बाई क्लिक बोलते जाए, तो यहाँ पे ऑन क्लिक हमें CLICK हमने ले लो, ठीक है, जाके अंदर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट
देखो बिल्कुल सही तरीका। अब देखो इतना समझ में आ रहा होगा, डाक ऑन क्लिक के अंदर हमने ले लो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है, बिल्कुल सही सही टाइप करनी पड़ रही है। अब यानी कि हम क्या करेंगे, हम कंटेंट चेंज करेंगे, यानी कि जो भी जो देखो जो मैसेज लिखो वो है। अब देखो पहले जो दिखाए दें यहाँ पर कर देते हैं क्लिक चेंज, CHAN चेंज चेंज मैसेज MESSAGE चेंज ओल्ड मैसेज, ठीक है, ऐसे करके हमने लिख दी एंड बटन पर, ठीक है। अब देखो जहाँ हम रिप्लेस करेंगे, रिलोड करी यहाँ पे आएगी, देखो ये हमारा मैसेज आया लिख के ओल्ड मैसेज है राम राम, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो चेंज ओल्ड मैसेज, अभी देखो क्लिक करी कछु ना रो। अब हम क्या करिए, यानी कि यहाँ को चेंज करिए जाको जा टैग के अंदर, ठीक है। तो हम जहाँ एक आईडी लिए हैं, एक होता है आईडी एक होता है क्लास, ठीक है। तो हम आईडी और क्लास को क्या फ़र्क है हमने शायद पहले ही बताया लेकिन फिर भी आगे बता दिए। अब है खाली आईडी के क्या करते हैं, आईडी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की ही होती है, यानी कि एक आईडी के अंदर बस एक ही एलिमेंट असाइन कर सकते हैं हम, दूसरा नहीं होगा, पूरे के पूरे पेज के अंदर उस आईडी से कोई दूसरा एलिमेंट नहीं हो सकता। जैसे एक सिंपल चीज़ है, एक आधार कार्ड एक ही बंदे को हो सकता है, दूसरे को नहीं, ठीक है। अब क्लास क्या है, क्लास जैसे 10th की क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं, क्लास के अंदर कई सारे एलिमेंट आ सकते हैं, वो चीज़ है। उसी तरह से काम करता है क्लास और आईडी, समझ में आया होगा। अब देखो जाको हम कंटेंट चेक करिए तो हम चेंज करिए, अब जाको कर दी हमने, जाके हमने आईडी दे दी। अब हम क्या करेंगे, हमें जहाँ आईडी को कोई नाम दे दो, का है जो ओल्ड MESS ओल्ड मैसेज हमने ऐसे लिख दी, ठीक है, ओल्ड मैसेज ऐसे करके आईडी ले ली अंडरस्कोर ओल्ड मैसेज, ठीक है। जहाँ आईडी ले ली हमने, जहाँ आईडी हम यहाँ पर देंगे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करके हमने आईडी जो ली भाई हमने कॉपी पेस्ट कर दी यहाँ पर। अब देखो ऑन क्लिक फंक्शन हो गया, आईडी आपने दे दी यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, करन का है चेंज करना है कंटेंट, तो वो कंटेंट देखो कैसे चेंज हुई है, यहाँ पे लिखन पड़ी है, उसे बोलते हैं इनर HTML, नहीं, हाँ इनर HTML, उसको इनर HTML का मतलब क्या होता है ये देखो, इसी में डिफाइन होता है, यानी कि HTML देखो ये कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, ओ INNER HTML, ठीक है। इनर HTML का मतलब होता है कि जो भी, यानी कि HTML के अंदर का चेंज करना है, जो भी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जिसकी आईडी मैच करेगी ये वाली, उसके अंदर का जो पूरा सेक्शन होगा वो चेंज कर देगा उसको, जो भी आप दोगे यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी डबल एनोटेड कॉमा आसपास है तो यहाँ पे सिंगल एनोटेड कॉमा ही काम करेगा, ठीक है। इसलिए ये देखो डबल एनोटेड कॉमा यहाँ वाला आया हुआ है तो फिर इसके अंदर सिंगल एनोटेड कॉमा ही काम करेगा, वैसे भी हमने यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब सपोज करो हमने यहाँ पे कर दिया ओल्ड मैसेज, हमने दे दिया यहाँ पे ब्लैंक, ठीक है, ऐसे करके, तो ये क्या करेगा, हमने देखो सेव कर दिया, ठीक है, इतना लिख के NSTML बिल्कुल जैसे लिखा बिल्कुल ऐसे ही लिखना पड़ेगा। हमने यहाँ पे आए, हमने यहाँ से रिलोड करा और हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जो था यहाँ पे हमने दिया था वाइट स्पेस ब्लैंक दिया है ना, तो इसीलिए वो पूरा का पूरा जो मैसेज था वो हट गया पूरा। अगर हमने यहाँ पे लिख देंगे राम राम की जगह नमस्ते कर दो, नमस्ते NAMST नमस्ते, ठीक है, तो ये नमस्ते हो जाएगा जाके, ठीक। अब हम सेव कर दिया और हम जैसे हमने क्लिक करा नमस्ते आ गया, देखा, ये है जावास्क्रिप्ट का जादू, कितना इंटरेस्टिंग सा है ना। बस इतने से कोड में देखो बहुत ही साधारण से लिखा हुआ है मैंने, नहीं समझ भाई फिर, ठीक है, चेंज ओल्ड मैसेज टू दिस वन, यानी कि जो इतना पूरा जो कंटेंट जो भी आपने यहाँ पे लिखा है, जो जितो जो लिखो है वो पूरा यहाँ तक लेके इतने पूरे चेंज हो गया है। आपको जो भी क्लिक पर चेंज करने हैं तो ऐसे कर दिए, ठीक है।
इस तरह से काम कराता है, मजा आ रो है हम बता रहे। इतो काम जिसको काम करने लगो, जो चीज़ जिसकी हम वर्किंग हुई इतनी चीज़ काम कर हुई तो भाई मजा आने लगो है प्रोग्रामिंग। ऐसे ही मजा आता जा मैं अगर सही से कराता तो। ठीक है चलो इतना हो गया, दो चीज़ें कर ली। अब जाए तरीका से बहुत सारे फंक्शन हैं। ठीक है अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टर्न ऑफ लाइट, टर्न ऑन लाइट, टर्न ऑफ लाइट, टर्न ऑन लाइट, टर्न ऑफ लाइट, टर्न ऑन लाइट, टर्न ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, इजी है देखो बहुत, ये ऐसे हार्ड लगता है क्योंकि अभी पता नहीं है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, इसका जो है कलर चेंज करते हैं। देखो इसमें फोटो है, इसमें फोटो चेंज कर रहे हैं, फोटो चेंज कर रहे हैं पूरा। पहले ये दूसरी फोटो लगी हुई है, एक दूसरी फोटो लगा दी उस पर एक क्लिक पे, जैसे ही कंटेंट चेंज हो रहा था, जैसे कंटेंट चेंज हो रहा है उस हिसाब से हम फोटो भी चेंज कर सकते हैं। तो बस वही है इसमें, और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ये देखो फोटो से वो फोटो चेंज कर रहा है बस। ठीक है तो इसमें बिल्कुल भी कोई चीज़ की लेके, अब देखो अगर आप चाहो तो देखो हम करके दिखा देते हैं। चलो चल दिखाई देते हैं चलो। बट देखो हमने सबसे पहले जा फोटो को, अब देखो हमने जा फोटो पहले सेव करना है। ठीक है हमने यहाँ से राइट क्लिक करी, ओपन इन न्यू टैब, या फोटो आई हमारी ऐसे करके सेव करें, या सेव इमेज एज। तो हमारा जो प्रोजेक्ट बना हुआ है डेस्कटॉप है, वेब क्लासेस जाके अंदर फोटो के अंदर यहाँ करते हैं पिक बल्ब ऑफ। ठीक है सेव कर दी। ठीक है एक फोटो सेव हुई, अब दूसरी फोटो सेव करने हैं तो सबसे पहले जाए ऑन करने पर ही है। अब जाए दूसरी फोटो हुई ऑन वाली ले लो, सेव इमेज एज। अब जाए हैंड जा सेव कर दी। ठीक है ऑन वाली दोनों फोटो सेव हुई हमारी। अब हम चलो अब हम दो बटन बनाएंगे। ठीक है जाके ब्रेक में चलो अब आगे। अब देखो दो बटन बना दें, BUTTN एक बटन हुई। ठीक है एक बटन हुई ऑन करो, एक कर दूंगा थोड़ा टाइम टाइम बचाओ, जल्दी 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 ऑफ करो ऑफ करो। ठीक है दो बटन दे दिए मैंने, देखो एक ही लाइन में रख लियो तो इसमें स्पेस दे दो, ए एंड वाइड स्पेस एंड एन बी एस पी एंड एन बी एस पी, इससे आता है वाइड स्पेस एन बी एस पी। ठीक है अब देखो हमने दो बटन बना लिए, अपने प्रोग्राम पर चला था जारी लोड करते हैं, देखो आ गई। ठीक है अब इसमें ना जाके बीच में कुछ लगाते जाओ जिससे पता लगे कि जो दूसरा प्रोग्राम है दूसरा प्रोग्राम है। यहाँ पर इसमें HR ले लो, HR का मतलब होता है ओरिएंटल। ठीक है ये HR आ गई, अब इसके बीच में ले लो HR, जो दूसरा प्रोग्राम है जो दूसरा प्रोग्राम है भाई, सब कुछ कन्फ्यूजन हो गई हो ताजा कल हमने चार दें। ठीक है ये अब ऑन करो ऑफ करो। ठीक है अब फोटो लगाने के लिए जगह बनाइए बनाने पर। ठीक है फोटो लगाने के लिए देखो ये कैसे जामा लिखी है, जो है देखो एक फ़ोटो वालो इमेज टैग जो एस्टिमेट में आपने पहले से पढ़ो हुआ राइट, ये देखो ये एस्टिमेट में पढ़ो पहले। अब देखो जो फोटो हमने बनाई है, देखो स्टार्टिंग में बताऊँ कन्फ्यूजन हो गई यार बहुत छोटो काम है। देखो सबसे पहले जब एक तो फोटो टैग एक तो छोटो होता है, अब जाके अंदर हमें जो फोटो की आईडी स्पेस दो आईडी, अब जा आईडी को का नाम रखियो बल्ब BLUB बल्ब आईडी दे दो ब्लॉग जो तो बल्ब बल्ब की स्पेलिंग जो होता है BULV BULV बल्ब आईडी। ठीक है इस तरीके से दे दो इमेज बल्ब आईडी IMAG। ठीक है
आईडी दे दो। अब इसमें क्या होता है एसआरसी, एसआरसी का मतलब है कि इसमें जो फोटो लगाई हो वह फोटो को पाथ लिंक यूआरएल का है वह बताना पड़ेगा हमें। अब फिर इसमें क्या था, यहाँ पर थी विड्थ, यानी कि आपको जाके लंबाई चौड़ाई कितनी रखनी है, ठीक है वह चीज़ है। अब देखो हमने जो यहाँ पर पेस्ट वो किया था उसको हम एक बार फिर से देखो, स्टाइल, स्टाइल यानी कि ये इनलाइन सीसस है, हमने पहले बताई हुई, ठीक है ये जो है इनलाइन सीसस है जो कि हमने इसकी 100px दे दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पे फोटो का यूआरएल लेके आना है, तो फोटो का यूआरएल हमारा क्या होगा, हमने ऑलरेडी बताया था, देखो जो भी हमारी फाइल ओपन है ऑलरेडी इसी का पाथ ऊपर से कॉपी कर लो, ठीक है पाथ कॉपी किया सबसे पहले उसको पेस्ट कर दो। अब ये जो पाथ हुआ ये जावास्क्रिप्ट की फाइल का पाथ है जिस पे हम काम कर रहे हैं, बट हमें यहाँ पे क्या लगाना है, हमें यहाँ पे लगाना है बल्ब वाली फोटो, वो काय के अंदर है, इमेज फोल्डर के अंदर है, ठीक है जैसे टाइप करोगे तो ऐसे आ जाएगा। अब इमेज फोल्डर के अंदर आपको लगाना है बल्ब की फोटो, तो यहाँ पे सबसे पहले जो डिफॉल्ट में आएगी वो ऑफ वाली आएगी, आई ऑफ वाली, हाँ ठीक है, ऐसे करके सेव कर दी। अब हम चेक करेंगे, ठीक है ये हमारी ऑफ की फोटो, इस वाली बटन को ना इधर ले लो तो थोड़ा सही लगेगा, इधर जैसे उसमें है ना, ऑफ करो ऑन करो, हाँ ठीक है ऐसे आ गया, इसको थोड़ा छोटा कर लो, अब थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है ऑन करो ऑफ करो हमने कर दिया भाई, ठीक है अभी ये वाली फोटो आ गई हमारी। अब देखो क्या कर लेंगे, अब हमका इसका यानी कि जैसे इस पर क्लिक करें तो ये फोटो चेंज हो जाए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक, ऑन करो ऑन क्लिक, ठीक है ऑन क्लिक पे हमको क्या देना है, गेट एलिमेंट बाय आईडी जैसे कि बताया था अभी, ठीक है अभी हम समझा देंगे। देखो इतना पूरा टाइप करेंगे तो हम जल्दी जल्दी देखो, गेट एलिमेंट बाय आईडी जो हमने देखो बताया था ना, हटा दो इतना, देखो गेट एलिमेंट बाय इतना तो समझ में आया होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी अभी हम ऊपर बता चुके थे। अब यहाँ पे होता है एसआरसी, यानी कि हमें क्या करना है, हमें चेंज करना है एसआरसी यानी सोर्स, यानी कि जो ये आईडी यहाँ पे हम देंगे, ये वाली आईडी देखो हमारी आईडी ये है, इसको चेंज कर दो, जो ये आईडी हमने दी है यानी कि इस आईडी का जो पहले से सोर्स होगा उसको यहाँ से चेंज कर दो, ठीक है ऐसे करके ऐसे। अब जो सोर्स आप यहाँ पे दोगे तो ये यानी कि वो सोर्स हम कौन सा देंगे, पहले आप पूरा सोर्स यहाँ पे तुम कॉपी कर लो, ठीक है यहाँ से कॉपी करा और फिर से यहीं पे पेस्ट कर दो, बट बल्ब की जो स्पेलिंग है वो चेंज होगी। अब बल्ब की स्पेलिंग ऑफ वाला नहीं होगा, अब यहाँ पे होगा ऑन वाला, ऑन, अरे भाई क्या है, ऑन ऑन ओ पिक बल्ब ऑन, पिक बल्ब हाँ सही, तो बल्ब ऑन, पिक बल्ब ऑन डॉट बल्ब ऑन, ठीक है चेक करते हैं, ये ऐसा लग रहा है यहाँ पे काम इसके चक्कर में, चलो चेक करके देख लेते हैं पहले, अभी बस हमने ऑन करने वाला लगाया, रिफ्रेश किया, क्लिक करा, वाओ चेंज हो गई। अभी इस पे हमने कोई क्लिक नहीं लगाया तो ये ऑफ नहीं होगा अभी, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमको वही चीज़ लगानी है, यहाँ पे भी हमने कर लिया ऑन क्लिक, ठीक है ऑन क्लिक लगाया, अब ऑन क्लिक पे जो पहले की फ़ोटो थी वही आ जाए, तो यहाँ पे करेंगे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट वाई आई डी, ठीक है जो था वही हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे इसकी आई डी देंगे, आई डी दे दी, और हमें क्या चेंज करना है एसआरसी, ठीक है और हम इसके अंदर हम जो हमारी पुरानी फ़ोटो थी ये वाली वही फ़ोटो का पूरा यूआरएल आप यहाँ पे दे दो, ठीक है ऐसे करके आया, सेव कर दिया, और हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ऑन करो
ऑफ करो, ऑन करो, ऑफ करो। देखा, मज़ा आ रहा होगा। ये होता है मज़ेदार चीज़, यह है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इस तरह से काम करती है। ये देखो इंटरेस्टिंग सी चीज़ें थी हमने बताई। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही हूँ अच्छे से, क्योंकि बड़ा अच्छे से समझा रहे हैं हम। और क्या, तो आशा कर रहे होंगे मज़ेदार से समझ में आ रही होंगी। लेकिन ये प्रैक्टिकल करना ज़रूर, इनमें इंटरेस्ट तभी जगेगा जब प्रैक्टिकल आप छोड़ोगे। देखो आईटी का मतलब क्या, प्रोग्रामिंग का मतलब क्या, जब तक प्रैक्टिकल ना करो तब तक मज़ा नहीं आता है। इसीलिए अब ऐसा लगा देखो यहाँ पे बल्ब ऑन हो रहा है, बल्ब ऑफ हो रहा है ना, लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है। लेकिन बस फोटो चेंज हो रही है ना, फोटो का कलर चेंज है तो उसी हिसाब से फोटो चेंज हो रही है बस। बात ये सब काम जावास्क्रिप्ट करती है। ठीक है, अब देखो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो देख लेते हैं। सब वही काम है, इनर एचटीएमएल वगैरह ये सब देखो हमने बता दिए हैं। ठीक है, इनर एचटीएमएल का क्या काम करता है, कोई भी हमें स्ट्रिंग चेंज करनी होती है। ठीक है, अब देखो इसमें और आता है, अब आते हैं। अब देखो इस तरह का एक डेमो ले लेते हैं। ठीक है, अब इस तरह का डेमो हम क्या लेंगे, अभी हमने करा था लाइन के अंदर हमने दे दी। ठीक है, ऑन क्लिक, जो ऑन क्लिक फंक्शन था वो हमने दे दिया लाइन के अंदर ही। अब हम क्या करेंगे, अभी देखो हमने ये सीखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो कोई नई चीज़ दें है तो भाई चीज़, चलो किसके अंदर बताएं, चलो इसके अंदर इसको कॉपी कर लेते हैं चेंज वाले को। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करेंगे और हम चेंज करके ही बताएंगे। ऊपर भी अचार लगा दिया हमने, ठीक है, ऐसे करके अब यहाँ पे हम दे देंगे, रिफ्रेश करें इसको। अब हमने यहाँ पर दे देंगे इसका नाम कंटेंट चेंज, ओल्ड कंटेंट चेंज, ओल्ड कंटेंट चेंज, CHCHEHAN। अब देखो अगर आप लोग जा चाहता हो कि जाको कंटेंट चेंज ना हो, ठीक है, और सिर्फ यहाँ को कंटेंट चेंज हो, यहाँ पर दे दो SPN, स्पेन एक टैग होता है। ठीक है, ऐसे करके जा एक नई चीज़ देख लो स्पेन। ठीक है, तो जा चीज़ को जिसको कंटेंट आप चेंज करियो बाय स्पेन के अंदर दे दो SPN, और उसके अंदर ID दे दो। ठीक है, ऐसे करके देखो ये तो ओल्ड कंटेंट चेंज लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने दे दो इस तरीके से। खूब ध्यान से देख लो, बिल्कुल कहाँ पे कैसे काम में लगा लगोगा ना, वो खूब ध्यान से देख लो, बिल्कुल गलती ना करियो, रेड आइए तुरंत, मज़ा नहीं है। बिल्कुल ध्यान से देखो, गौर से प्रोग्रामिंग भैया गौर से देखना पड़ता है, काम गलती हुई काम हुई। ठीक है, हमने स्पेन दे दी, स्पेन यानी कि जो टैग होता है उसके आसपास लिखा था हम, यानी कि टैग वो इंड होता है। अब देखो ऐसे करके सही करते हैं तो थोड़ा समझ में आइए, अब आया समझ में बढ़िया करके। ठीक है, अब हम क्या करिए, जो यहाँ पर जो दो हुआ, ठीक है, सबसे पहले क्या करिए, एक हम जावास्क्रिप्ट देखो, एक होता है कि हम इनलाइन लिख देते हैं और हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो वह कैसे लिखी जाता है, JABA वह लिखी जाता है SCRI स्क्रिप्ट। जैसे स्टाइल हमने बताई थी इंटरनल एक्सटर्नल, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट भी होता है, इनलाइन एक्सटर्नल एक्सटर्नल या एक्सटर्नल SCRIPT। ठीक है, जा तरीका से SCRIPT। ठीक है, तो हमने जा तरीका से हमने दे दी। अब देखो जा हैंड को पूरा हमने हटा दो। ठीक है, अब हमें यहाँ पर फंक्शन लिखे हैं। फंक्शन क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, देखो फंक्शन कैसे लिखा है, FUNC फंक्शन। फंक्शन वगैरह ना प्रोग्रामिंग में क्यों करे जाते हैं, फंक्शन वगैरह इसलिए करे जाते हैं ताकि जो कोई भी आप स्पेसिफिक कोड लिखो वो आपका सेपरेट रहे, लॉजिक मिक्स ना हो, उसमें कन्फ्यूजन ना हो, बस इसीलिए लिखे जाते हैं। अब हमने यहाँ पर लिख दिया चेंज कंटेंट फंक्शन, CHANG चेंज कंटेंट
एफ्यूएनसी, ठीक है, हमने लिया चेंज कंटेंट फंक्शन। और फंक्शन का जो है वो हमेशा इस तरह से बिहेव रहता है, यहाँ पे हमको इस तरह से लगाने पड़ते हैं और फंक्शन हमेशा स्टार्ट होता है एंड होता है इस तरह से, ठीक है। हमने ऐसे फंक्शन मान लिया, अब जो हमारा कंटेंट था हमने यहाँ पर लिख दिया आके, ठीक है, जो भी इसके अंदर था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई जो जो ओन क्लिक के अंदर था पूरा का पूरा हमने हटा के हमने यहाँ पर लिख दिया आके, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे एस्टिमेट के इनलाइन होता है वो अगर बहुत ज़्यादा कोड लिखोगे आपके पास बहुत ज़्यादा कोड हो रहा है 5, 10, 12, 20 लाइन का हो रहा है तो यहाँ पे लिखने में बड़ा कन्फ्यूजन होगा, अच्छा ही लगेगा, इसीलिए आप सेपरेट फंक्शन बना लो, ये भी वही काम करेगा वो भी वही काम करेगा। अब इस फंक्शन को हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, इस तरह से इस फंक्शन को हमने यहाँ पर लिख दिया, बस बढ़िया से सेव कर दिया, ऑन क्लिक पर ये फंक्शन ही काम करेगा। अब देखो सेव करें, अब क्या होगा बताओ, चेक क्या होगा, इतना चेंज होगा या इतना चेंज होगा, मतलब या फिर पूरा चेंज होगा, इतना इतना चेंज होगा या फिर पूरा चेंज होगा, 1, 2, 3 टाइम फिनिश, यानी कि बस इतना चेंज होगा। अब देखो चेंज करें, अरे आईडी यहाँ पर वाली आईडी नहीं चेंज करी हमने, इसकी आईडी देखो हमने बताया था कि आईडी एक ही होनी चाहिए, ऑलरेडी ये आईडी जो है वो ऊपर हमने दे चुकी है तो इसलिए ये वाली आईडी ले ली, हमेशा डबल आईडी होगी तो सबसे ऊपर वाली आईडी लेगा। अब हमने यहाँ पे दे दिए ओल्ड मैसेज 2, हमने इसकी आईडी चेंज कर दी, ठीक है, आईडी चेंज कर दी, ये आईडी हमको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है, ये गलती हुई थी हमसे क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर से, अब करेंगे हम इसको, ठीक है, क्लिक करा, देखो इतना चेंज हुआ है, ओल्ड कंटेंट चेंज, नमस्ते आ गया है ना, बस इतना था चेंज हुआ, ये होती है जुगाड़, ऐसे करी जाती है प्रोग्रामिंग। देखो हमने बहुत ज़्यादा टाइम में और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं ये क्लास, तो बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को करना और सारे के सारे प्रैक्टिकल करना जरूर, एक भी प्रैक्टिकल मिस नहीं करना। देखो पूरा का पूरा जो कोड है इसका हम दे देंगे, लेकिन करना इसी तरह से, देखो हमने ऑलरेडी वैसे तो हमने फॉलो किया है इसको जावा ये वाले जो है ना यहाँ से ऊपर से गए थे यहीं देख देख के बता रहे थे, लेकिन इसी तरह से करना नहीं तो फिर समझ में ना आएगा हम बता रहे हैं। देखो और ये देखो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके लैपटॉप का अलग होगा यूआरएल, आप लोग आपके लैपटॉप का यूआरएल कैसे पता लगेगा, जैसे हमने बताया था स्टार्टिंग में ही, जैसे ही आप अपने जो फोल्डर बनाओगे, ठीक है, जहाँ पे भी आपका फोल्डर होगा उस पे राइट क्लिक करोगे, ठीक है, ऐसे फाइल पे और ओपन विद पे जाओगे और गूगल क्रोम में ओपन करोगे, क्रोम में मोजिला में जहाँ भी ओपन करोगे, जैसे भी ओपन करोगे ऊपर से ये आ जाएगा आपका यूआरएल, ठीक है, ये यूआरएल होता है, ठीक है। अब यूआरएल पे भी ध्यान देना होता है आपका, ये वाला प्रोजेक्ट फोल्डर होता है, ये वाली इमेज फोल्डर और ये इमेज, ठीक है, ये इमेज डाउनलोड कर लेना जैसे हमने बताई थी, ये बहुत ही ध्यान से देखना। देखो यहाँ तक था मेरा फोल्डर, ठीक है, फिर थी इमेजेज, फिर ये, तो ये बहुत ही ध्यान से देना है नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाना। यहाँ तक आपका अलग होगा, ठीक है, यहाँ तक यूआरएल, इसलिए ये, क्योंकि अभी यूआरएल की जो दिक्कत है वो सब दूर हो जाएगी जब पीएचपी स्टार्ट होगी, बट अभी तक अभी तो सीखना ही पड़ेगा आप लोगों को उसको, इसलिए, ठीक है, आशा करते होंगे जावास्क्रिप्ट समझ में आएगी। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं इसमें, तो धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिकल सीखना। अभी हमने देखो बेसिक इंट्रोडक्शन सा बताया है, बट ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अब देखो इसमें आते हैं आउटपुट्स और देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ये चीज़ें देखो, अलर्ट बॉक्स हमने ऑलरेडी बता दिया। देखो एक एक होता है, देखो अलर्ट होता है, एक तो विंडो अलर्ट, ठीक है, विंडो अलर्ट क्या होता है वो भी चलो बता ही देते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं ऑलरेडी। विंडो अलर्ट में विंडो देखो, एक तो अभी अलर्ट बॉक्स बताया था, एक होता है विंडो अलर्ट, ठीक है, इसको तो जावास्क्रिप्ट को नीचे जाने दो, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक अचार लगा दिया हमने, अब यहाँ पे देंगे BUTTON बटन, यहाँ पे देंगे विंडो अलर्ट BINDO विंडो BIN विंडो ALERT विंडो अलर्ट, ओके,
विंडो अलर्ट। विंडो अलर्ट क्या होता है, ऑन क्लिक दे देंगे यहाँ पे, ऑन CLICK ऑन क्लिक, और यहाँ पे दे देंगे विंडो डॉट अलर्ट, ठीक है, WINDOW विंडो डॉट AL विंडो डॉट अलर्ट। अब इसके अंदर आप जो भी मैसेज देना चाहो, यस WIND विंडो अलर्ट वर्किंग फाइन, ओके, ऐसे करके ये होता है विंडो अलर्ट। रिफ्रेश करा विंडो अलर्ट पे, अच्छा हाँ बात वही है, विंडो अलर्ट और अलर्ट की बात वही है। एक होता है क्या बोलते हैं उसको, हाँ विंडो, रुको अभी बताया, देखो पूरा अलग से वो पॉपअप बन के आता है, विंडो उसको बोलते हैं विंडो लोकेशन, विंडो डॉट लोकेशन, लगा क्या हुआ, पेज ही क्लोज हो गया, अरे भाई विंडो लोकेशन डॉट हेल्प अलर्ट LERT, जावास्क्रिप्ट, होता तो यही, लेकिन ये अलर्ट की तरफ क्यों रहा, अच्छा वो नेट ऐप ओपन नहीं हो पा रहा होगा इसका, इसका एग्जाम्पल कहाँ गया, W3 स्कूल एग्जाम्पल देख लें, इसको थोड़ा नीचे करें, चलो W3 स्कूल जावास्क्रिप्ट, ठीक है, कहाँ पे थे, आउटपुट विंडो डॉट अलर्ट 5 6 विंडो डॉट राइट, विंडो डॉट राइट, विंडो डॉट अलर्ट, ये है देखते हैं, वही चीज़ है मतलब। चलो अब देखो इसमें और थोड़ा जल्दी जल्दी मेन मेन चीज़ें बता दें, इसमें एक तो ऑन क्लिक होता है, एक ऑन की अप होता है, ठीक है, ऑन की अप फंक्शंस, इवेंट फंक्शंस, इवेंट्स किधर है, इवेंट्स क्लिक, क्लिक वैसे तो बहुत बढ़िया है जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, बट ये है कि स्टार्टिंग में धीरे धीरे का समझ में आई, तो इसमें प्रैक्टिकल सबसे बड़ी चीज़ है, देखो आप यहाँ पे वन बाय वन आप इसमें ऊपर पढ़ो और नीचे यहाँ पे ट्राई इट शेयर पे जाके प्रैक्टिकल करो आके, ये सबसे अच्छी चीज़ है, जैसे यहाँ पे रन करो तो आउटपुट रन कर जाता है, जैसे यहाँ पे हमने लगा 6 5 11 हुए जाके हमने यहाँ पे कर दिया 5 और 10, और हमने यहाँ पे चेंज करा और हमने ऐसे रन पे क्लिक करा, हमारा आउटपुट जो है वो आ गया यहाँ पे, है ना, इस तरह से ना अपने मतलब प्रैक्टिकल कर सकते हो साथ ही साथ में, और इसके बाद में यहाँ से आप कोड को देख लो और अपने में अपने कोड में करके देखो, हमेशा अपने कोड में, यहाँ करने में उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है, जब आप अपने खुद की फाइल में कोड में कन्वर्ट करते हैं ना, खुद से अपनी फाइल में कोड करते हैं तब ज़्यादा समझ में आता है। अब देखो एक होता है इसमें ऑन की अप, ऑन की अप देखो बताएं ऑन की अप क्या होता है, ऑन की अप हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे HR दे देते हैं, HR, ठीक है, हम यहाँ पे देंगे ऑन की अप, सबसे पहले एक होता है इनपुट, ओके, टाइप में टेक्स्ट कर दो, ठीक है, तो हुआ टाइप टेक्स। अब इसी में हम अगर हम यहाँ पे एक फंक्शन देंगे, यहाँ पे दे दो
ऑन की, जैसे तुमने देखा होगा कभी भी कोई ऑन की प्रेस, ऑन की प्रेस, ऑन की प्रेस, ऑन की अब दो होते हैं, देखें कौन कौन सा सही रहता है, ऑन की प्रेस, ऑन की अब। ऑन की प्रेस सबसे पहले चेक करके देखते हैं। जब भी आपने देखा हो कभी आप जैसे किसी भी वेबसाइट्स में फॉर्म वगैरह लगे होते हैं उसमें जैसे आप टाइप करते हो ना एक सिंगल डिजिट, तो उसका वो वैलिडेशन चेक करता है ये सही है गलत है। सपोज करो आपने ईमेल आईडी भरी या फिर मोबाइल नंबर भरा, तो उसे वो चेक करता है कि यह सही है गलत है। अब ऑन की प्रेस पर हम यहाँ पर फंक्शन दे देंगे ऑन की प्रेस फंक्शन। ओके, ऑन की प्रेस फंक्शन हम बनाएंगे अभी नीचे इसके अंदर यहाँ पर लिख लेंगे FUNCTION फंक्शन। और जो हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया उसको हम यहाँ पे कॉपी करा और जहन ऐसे करके लिख दी। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अलर्ट। ठीक है, और जैसे ही हम सेव कर दी कहाँ गई फाइल, फिर खोलने पर ये चलो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ये आ गई। अब कोड ज़्यादा हरो नीचे पहुँची हो। ठीक है, जैसे ही हमने टाइप करा तो हम एक लेटर टाइप करेंगे तुरंत अलर्ट आएगा, एक लेटर टाइप करेंगे तुरंत अलर्ट आएगा। अब ये चाहते हो कि ऑन की स्पेस पे इसकी आपको वैल्यू मिल जाए यहाँ पे जो आपने टाइप करी है। ठीक है, वो कैसे आएगी, जैसे ही टाइप करी अब आप इसको सबसे पहले जो इनपुट है इसका आपको आईडी देना पड़ेगा ये क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल आईडी, ईमेल आईडी दे देते हैं इसकी, ईमेल आईडी। ठीक है, हमने यहाँ पे दे दी ईमेल आईडी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, और हमने यहाँ की आईडी दे दी इससे आएगी या नहीं आएगी डॉट वैल्यू भी लिखना पड़ेगा VALUE। ऐसा कुछ है, लेट मी चेक फर्स्ट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, सिंटेक्स बिगड़ जाते हैं। नहीं, बट ये है कि गेट ए आई डी, गेट एलिमेंट बाई आई डी वैल्यू, देखा समझ गया ये वैल्यू अपडेट हो रहा है। डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा क्या, लेट मी चेक इफ इट वर्क और नॉट। कुछ तो आया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, देखो इसमें जेक्वेरी लगा दें, बहुत ही आसान रहता है, जेक्वेरी थोड़ी सरल है। ठीक है, सिंपली है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होना देखो जेक्वेरी के लिए, जेक्वेरी में क्या रहता है, यहाँ पे हमने लगाया डॉलर डॉट VALUE, इतने में हमको वैल्यू मिल जानी चाहिए। हाँ, जेक्वेरी के लिए क्या होता है एक एक्सटर्नल URL हमें लगाना पड़ता है अपने इस पर, जे क्योंकि जेक्वेरी जो है वो जेक्वेरी CDN। बट इसको भी लगे, रुको, गेट ए इनपुट वैल्यू बाई पे वैल्यू गेट एलिमेंट ELEM गेट एलिमेंट बाई आईडी इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, इसके सर्च कर लो चीज़ें जब ना आए तो, ठीक है, तो मिल जाएगा।
आउट का एग्जैक्ट अवेलेबल टेक्स्ट पूछ देंगे भाई। ठीक है ये देखो अभी अभी देखो निकालते हैं। हाँ यहाँ पे बेलू, अरे भाई इतना लिखाना पड़ता है, थोड़ा सा ही वो कर दिया ना, कहाँ गया। यहाँ पे देखो बेलू लिखनी पड़ती है, मैंने वो लिखा था। यहाँ पे आई डी इसकी चेंज कर दो, अब इतने में मिल जाएगी। देखो जावा स्क्रिप्ट जो है थोड़ी सी लंबा कोड लिखना पड़ता है, जेक्वेरी में बहुत कम लिखना पड़ता है। अब देखो जैसे हमने छोड़ा, अभी तो टाइप नहीं हो पाई थी, अब आइए एक वैल्यू पीछे। ठीक है ये होता है ऑन की, अब तो देखो ये है, यहाँ पर लिख दें ऑन की प्रेस, यहाँ पर लिख दें पी, लिख दें पी, लिख दें ऑन की प्रेस, क्योंकि वो पहले से ही अलर्ट कर दिया। ठीक है अब आएंगे ऑन, अब अगला कर दें हम ऑन की अप। अब देखो ऑन की अप वाला एक यहाँ पे इनपुट को हमने कॉपी किया, ऑन की अप फंक्शन बनाएंगे, ईमेल आईडी टू लिख दे रहे हैं इसको। ठीक है जैसे कि, और ये यहाँ पर फंक्शन को अब हम ये वाला फंक्शन यहाँ पे, ठीक है ईमेल आईडी टू, और हमने ऑन की प्रेस को कर दिया ऑन की अप। ठीक है अब देखो ये डिफरेंस होता है ऑन की अप एंड ऑन प्रेस में, सामने सामने आ जाएगा। ठीक है ऑन की अप पे क्या हुआ, जो हमने वैल्यू पहले टाइप करी थी उसका हमको रिजल्ट दिख गया यहाँ पे। ठीक है बट प्रेस में क्या होता है कि वो पहले से ही अलर्ट दे देता है, इसके बाद में आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है ये इस तरह से ये होता है दोनों में डिफरेंस। ठीक है ऑन की अप एंड ऑन की प्रेस, देखो की अप में हम जैसे ही टाइप करेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। देखो एफ में टाइप करा आ रहा है, और ऑन की प्रेस में भी हमने टाइप करा लेकिन पहले अलर्ट आ गया, इसके बाद में आने की उसका रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है लेकिन वैल्यू एक लेवल पीछे रह रही है इस तरह से। इस तरह से देखो बहुत सारे फंक्शन हैं इसमें, ऑन की अप ऑन प्रेस, हमारे हिसाब से जावास्क्रिप्ट में इतना ही बताना सही है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं आगे, उनको भी कवर करना है हमें। आशा करते होंगे समझ में आ रहा होगा, सही में बता रहे हैं, मज़ेदार चीज़ है बहुत। बोर तो नहीं हुए, बोर नहीं होना भाई, लगे हुए हैं ताकि आप लोगों को आ जाए, जावास्क्रिप्ट मास्टर बनाना है भाई, पूरा वेबसाइट बनाओ। अब देखो यहाँ पहुँच गए हम। ठीक है तो देखो बाकी की चीज़ें ना इसी तरह से हमारे हिसाब से हैं, बहुत ज़्यादा इसमें बोर नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम वन बाय वन को पढ़ाने चलेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा जावास्क्रिप्ट। ठीक है क्योंकि हमने इसीलिए हमें बेसिक्स बेसिक को मैंने बहुत ही सरलता से बताया है। ठीक है ताकि जैसे मैंने बताया ना, जैसे हमने काम किए इसी तरह से आप लोगों को काम करना है, इसी तरह से जावास्क्रिप्ट चलती है। ठीक है अभी फ़िलहाल हमारी जो वेबसाइट में है वो ऐसा कुछ जावास्क्रिप्ट हमें, क्योंकि उसमें मैंने कुछ भी चीज़ यूज नहीं करी है जो वेबसाइट हमने बनाई थी, तो उसमें सीधा ना पीएचपी का यूज होगा बस। जावास्क्रिप्ट हमने इंट्रोडक्शन के लिए बता दी कि जब भी कोई फॉर्म वगैरह बनाते हो तो उसमें वैलिडेशन वगैरह चेक करते हो, तो उन सब चीज़ के लिए जावास्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना जावास्क्रिप्ट बिना रिलोड करे पेज, रिलोड से पहले ही मतलब बिना रिलोड करे पेज काम करता है, उसका इफेक्ट दिखता है, उसका बिहेवियर दिखता है जो भी आप करना चाह रहे हो, जैसे कि बताया था मैंने, है ना। तो ऐसा करते हैं समझ में आएगा। ठीक है अब हम क्लास लंबी हो जाएगी नहीं तो पीएचपी हम इसी में पढ़ा देते हैं। ऐसा जावास्क्रिप्ट इतना ही रखते हैं। ठीक है अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई ऐसा फंक्शन है इसमें कोई जिसके नई चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है इसमें आगे ना बहुत सारी चीज़ें मज़ेदार मज़ेदार हैं इसमें। ठीक है जैसे ऑन की प्रेस ऑन की अप। ठीक है अब देखो ऑन की अप पे देखो एक नई चीज़ दिखा यहाँ पे, थोड़ा सा ऑन की अप में एक और चीज याद आ गई, यानी कि जैसे वो प्रेस करें यहाँ पे अलर्ट नहीं देंगे हम, ऑन की अप है ना ये, तो हम क्या करेंगे एक हमने यहाँ पर दे दिया
यहाँ पर ले लिया H3, ठीक है, H3 ले लिया। यहाँ पर जो इसकी वैल्यू हम जैसे ही टाइप करें तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आए, इसकी वैल्यू यहाँ पे देखे, हाँ ओके। तो यहाँ पे करेंगे DOCU डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी बाई आई डी, ठीक है। अब हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, यहाँ पे हमको वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, जैसे यहाँ पे जो टाइप करें वो यहाँ पे वैल्यू आए तो इसकी हम आई डी देंगे, यहाँ पे देंगे INPUT इनपुट वैल्यू, BALU इनपुट वैल्यू, ठीक है, रिजल्ट इनपुट वैल्यू, RUSULT इनपुट वैल्यू रिजल्ट यहाँ पे दिखे। तो उसके लिए जो ये आई डी है वो हमने यहाँ पे सबसे पहले ये करी, ये वो हमने कमेंट कर दिया, हरा हरा कोड दिख रहा है ये कमेंट हो गया, ठीक है। अब डॉट आई एनर इनर आई एन एन ई आर इनर एस्टीमेट में हमको दिखाना है, ठीक है, इनर एस्टीमेट में दिखाना है हमको। अब इनर एस्टीमेट में क्या दिखाना है, इनर एस्टीमेट में हमको इसकी वैल्यू दिखानी है, ये ठीक है, ये चीज, ठीक है। अब देखते हैं रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, बड़े देते हैं OUT आउटपुट, काम करते हैं आउटपुट को ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, यहाँ पे ये भी दिखेगा इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट अच्छा नहीं लग रहा, आउटपुट का ठीक है, रिजल्ट लिखते हैं RESULT, यहाँ पर ना इसको स्पैन के अंदर देते हैं तो इतना इतना सिर्फ चेंज होगा, SPAN स्पैन, ठीक है, ये आई डी हमने यहाँ पर दे दी, ठीक है, यहाँ पे आएगा। अब नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम नीचे कर लेते हैं, डिफरेंस आ जाएगा समझ में, ये ठीक है। चेक करते हैं कहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो चेंज हो रहा रिजल्ट, इसको ना ऊपर लिख दें, मज़ा नहीं आ रहा, इसको लिख लें यहाँ पे, इसको थोड़ा बड़ा लिख लें, H2 के अंदर लिख लो, ठीक है, 0, थोड़ा बड़ा करें, मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप करें माई नेम इज सुबोध कुमार, ठीक है, आ रहा टाइप वाला तुरंत तुरंत, ये है मज़ा, लाइव तुरंत अपडेट हो रहा है ना, जैसे जैसे इधर से कर रहे हो तुरंत आ रहा, माई नेम इज जॉन डियो आया, प्लीज लाइक एंड COM इन कमेंट आवर वीडियो, ठीक है, इस तरह से काम करती है तुरंत ऑन की अप, आशा करता हूँ समझ में आओगे यार, बड़ा अच्छे से समझा, चलो ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हमारे हिसाब से देखो इतनी ही चीज़ें थी इंपॉर्टेंट वाली, बाकी और भी चीज़ें हैं लेकिन पढ़ने की और भी चीज़ें हैं। देखो हमने बताया इनपुट से वैल्यू कैसे लेते हैं और इनपुट से वैल्यू कैसे देते हैं, लाओ थोड़ा वो भी बता देते हैं, ठीक है। सपोज करो किसी के ऑन क्लिक पे इनपुट पे वैल्यू आपको देनी है, वैसे ही होता है देखो, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं होता है इसमें, बट ये है कि इनपुट की वैल्यू अपडेट करनी है, राइट, लाओ बता देते हैं, थकान बहन तो होती रहेगी, 2-3 बार में ख़त्म कर लेना क्लास, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। चलो अभी हम यहाँ होते हैं, अब हम क्या करें किसी के वैल्यू मतलब अपडेट करेंगे किसी के बटन पर क्लिक करने के बाद, ठीक है। चलो HR दे देते हैं यहाँ पे, HR यहाँ P दिया,
पी पी टैग यहाँ पर लिख दिया चेंज इनपुट वैल्यू, ठीक है चेंज इनपुट वैल्यू। अब हम यहाँ पे इनपुट देंगे, इनपुट में हमें कुछ भी नहीं लेना ऑन की वगैरह पे, यहाँ पे देते हैं चेंज, यहाँ देते हैं मोबाइल नंबर नहीं, ईमेल आईडी नेम दे देते हैं नेम आईडी, ठीक है यहाँ पे नेम की आईडी है। और यहाँ पे एक बटन देंगे जिसके प्रेस पे वो वैल्यू चेंज होगी, राइट। तो हम बटन के अंदर क्या करेंगे, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन लिख लिया, फंक्शन नीचे ले लेते हैं चाहे तो यहीं पर लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं ठीक है, चेंज चेंज इनपुट वैल्यू फंक्शन, ठीक है ये हमने फंक्शन बनाया। अब हम इसको यहाँ पर ले लेंगे एफ ई एन सी टी एन फंक्शन, यहाँ पर जो लिखा है उसको यहाँ पर कॉपी कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है ये। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है, यानी कि पहले से जो वैल्यू होगी, पहले से वैल्यू क्या होगी, पहले की वैल्यू यहाँ पे टोनी स्टार एस टी आर के टोनी स्टार, या कर दो अपना हिंदी नाम रखो भाई राम कुमार, ठीक है सुबोध कुमार ले लिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू उसको चेंज करेंगे, कैसे चेंज होगी उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा, सबसे पहले अब इनपुट की वैल्यू चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, इतना सा होता है इनपुट की वैल्यू ये, ठीक है इतनी से छोटे से फंक्शन में, देखो हमने यहाँ पर ये वाला फंक्शन हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, अब हम जो इसकी आई डी थी वो हमारी ई मेल आई डी ये है आई डी इसकी, ठीक है ना नेम आई डी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे नई वैल्यू रखनी है, नई वैल्यू क्या रखनी है वो यहाँ पे दो, ठीक है यहाँ पे दे दो जॉन डीगो, ठीक है यहाँ पे ऐसा कर दो ई एन जी आई एन इंजीनियर एम एल ए वाई एस आई ए इंजीनियर मलेशिया वाला, ठीक है हमने ये दे दिया। अब हम चेक करेंगे बटन पे, कुछ नाम दे दो चेंज नेम, ठीक है चेंज नेम इनपुट, ठीक है अब हम चेक करेंगे जाएगा, ठीक है चेंज, अरे टाइप मिस्टेक आई इन चेंज नेम आई एम पी यू टी चेंज नेम इधर क्या हुआ है चेंज इनपुट वैल्यू, अच्छा ये चेंज आई एन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये, यहाँ पे थोड़ा एक ब्रेक मार लेते हैं, ये नीचे आ जाएगा इनपुट के बाद, तोड़ दें तोड़ दो, ठीक है अब आ जाओ नीचे, हाँ अभी आएगा एक और ब्रेक मान लियो, रिलोड, ठीक है। अब देखो हमने जैसे किया यहाँ पे, ये देखो वैल्यू चेंज हो गया, बटन पे क्लिक करा हमारी वैल्यू चेंज हो गई, देखो डिफॉल्ट में हमारा ये था और हमने फिर क्लिक करा हमारी वैल्यू चेंज हो गई है। तो इतने सारे प्रैक्टिकल कर यार क्या समझ में आई हुई है भाई, ज़्यादा बड़ी क्लास हो रही है आज की इतनी रखेगा जावास्क्रिप्ट ऐसा ही है लगभग, बाकी देखो डिटेल तो भाई जब पढ़ियो वेबसाइट से तब ही समझ में आई पाई है। और देखो बेसिक्स बेसिक्स मैंने बता दिया और इसी तरह से एडवांस में भी जाता है ना। बाकी देखो कोर्स जो हैं बहुत बहुत बड़े हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक डेढ़ घंटा में ख़त्म नहीं करी जा सकता है, मेहनत करो और पढ़ो, मेहनत करने के लिए देखो उसमें कितने सारे टैब हैं, जावास्क्रिप्ट डालोगे गूगल पे जावास्क्रिप्ट डालो थ्री स्कूल्स, ये सारी चीज़ें इसमें सबसे अच्छी खासियत बात इस वेबसाइट में इतनी है ना, ऊपर पढ़ो नीचे प्रैक्टिकल करो ट्राई योर सेल्फ, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, सारा का सारा कोड दिख जाता है इसमें क्या है क्या प्रैक्टिकल करा है, ये थी जावास्क्रिप्ट, ठीक है चलो ये हो जावा।
प्रिंट, ये देखो प्रिंट भी फंक्शन है, बड़ा मज़ेदार है एक। बार बार क्लास करने जाते हैं, फंक्शन याद आ जाता है। करने को देखो बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन चलो खैर अब नहीं बताएंगे, इतना ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ी क्लास बोरियत। बाकी मज़ा आया होगा, ठीक है। बाकी जो हमने ये कोड कराया इसको हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। फोल्डर इस पर जो आज की क्लास जो है वो 12 नंबर क्लास है, 12 नंबर के फोल्डर में आपको मिल जाएगा इसका कोड, और आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैंने बताया पूरा का पूरा कोड मिल जाएगा। और लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ये ज़रूर करो, सही बता रहे हैं। और इस देखो अब आगे की क्लासेस में क्या रहेगा, हम जो हमने जो वेबसाइट बनाई है अभी हम इसमें PHP पढ़ाएंगे, PHP का फिर हम इस वेबसाइट को ना लाइव करेंगे। लाइव का मतलब है पूरा, जैसे करके ये वेबसाइटें होती हैं satirmind.com, इसी तरह से ना वेबसाइट को लाइव करेंगे ऐसे डोमेन पे, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट है, इसी तरह से लाइव करेंगे, ठीक है। कोई एक डोमेन ले लेंगे, उस पर हम जो बनाएंगे उसको हम लाइव करेंगे, पूरा एंड टू एंड हमने बताया था ख़त्म करेंगे। मैं थोड़ा सा लेट हुए इस वाली क्लास में, बट पढ़ाया, टाइम थोड़ा सा मुश्किल से निकल पाया। चलो, और किसी को कोई डाउट है कमेंट करे, और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखने के लिए यहाँ पे जाओ, ठीक है ना। हमारे चैनल पे सर्च करोगे इंजीनियर मलेशिया वाला आ जाएगा, यहाँ पे जाएंगे तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है यहाँ पे, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। ये वाली मोबाइल डेवलपमेंट की, फ्लटर की, वो वाली नहीं, इस वाले पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे ही अगली जो वीडियो आएगी इसी में लगा देंगे हम, और जो कोड आएगा वो यहाँ पे अपडेट कर देंगे आराम से। किसी को कोड चाहिए तो जैसे हमने बताया था स्टार्टिंग में ही बताया था कैसे डाउनलोड करते हैं, तो वो भी कर लेना है अपने लैपटॉप में, फिर उसको उसी में काम करना स्टार्ट कर देना है। आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। फिर मिलेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करो। कुछ सजेशन हो सजेशन भी बताओ, ठीक है, जिससे क्या होगा हम अपनी जो गलतियां हैं उनको हम सुधार लेंगे, समझिए ना। मतलब और आज की स्टार्टिंग की क्लास थोड़ी हमने ना अपनी देसी बोली थी, अगर अच्छी लगी हो तो बताओ, तो अगली की वीडियो जो आगे वाली जो वीडियो है ना हम देसी बोले हैं, क्योंकि अच्छे लगता है, कहीं हमारे भी मन करता है कि थोड़ा अपनी भाषा बोलें, तो हमारा मन करता है। तो ठीक है, कोई सजेशन आए, कोई एडवाइस है हमारे लिए बताइए ज़रूर, ठीक है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, चलते हैं, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यस, जुड़े रहिए हमारे साथ।